जरा ठहरो भाई, भाग सको लो जरा। चला था डब्बा हटा लो। शाल निकाल दो
दस और दस बीस टेंशन फ्री हो गया मुझे परे मार दे इधर देखिए जरा ये हमारे अमान नगर में अहमद अहमद साहब हेलो डाले तो बोलो बीच में आके डाले चल पाला ना ठीक है हाथ लगाओ हाथ लगाओ छोड़ो तो छोड़ो ओके अरे पढ़ेंगे वो पहले निजामबाद के प्रजा को मेरा नमस्कार। आज तेलंगाना सरकार आने के बाद जो निजामबाद अपने अर्बन में बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रहा है अपने माननीय MLA गणेश अन्ना जी के बदौलत उन्होंने फंड लाकर अपने निज़ामबाद को बहुत कुछ डेवलपमेंट किया है। उसी के दौरान आज 6 वार्डों में आज 1 करोड़ लागत से यहाँ 2 BT रोड और 4 CC रोड का इनाग्रेशन कर चुके हैं। पूरे 6 वार्ड बोले तो 14, 31, 54, 55, 29 एंड 34 पूरे डिवीज़नों में आज इनाग्रेशन कर चुके हैं। इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे डिप्टी मेयर साहब और हमारे शकील साहब और यहाँ के कारपोरेटर पूरे मोहल्ले वालों को मैं अभिनंदन करती हूँ, शुक्रिया करती हूँ। और यहाँ के सब कॉन्ट्रैक्टरों को मैं यही बात बोलना चाहूँगी, जल्द से जल्द एक जो काम है शुरू करें और जल्द से जल्द प्रजा के उपयोग में लाएँ, क्योंकि बहुत जगह बहुत देर से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत सालों से जो है काम पेंडिंग है, जो जल्दी करके अगर प्रजा के राहत में लाए तो बहुत अच्छा है। यही मैं विनती करती हूँ और एक बार सबको शुक्रिया, थैंक यू, जय तेलंगाना। पटना प्रगति के तहत जुमला 5 डिवीज़न 6 डिवीज़न में 1 लाख का काम, जिसमें डिवीज़न नंबर 31 में 30 लाख का और डिवीज़न नंबर 14 में 20 लाख का, डिवीज़न नंबर 54 में 20 लाख का और डिवीज़न नंबर 29 में 20 लाख का और डिवीज़न नंबर 55 में 10 लाख का काम आज मैडम मेयर मैडम नीतू किरण साहबा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जिसमें डिप्टी मेयर और मुकामी कॉरपोरेटर्स आवाम शिरकत की। इसके लिए मैं आवाम को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ ये उम्मीद करता हूं कि ये काम जल्द से जल्द पाए तकमील को पहुँचेगा। साथ ही साथ मैं ये चीज़ दोबारा कहना चाहूँगा, गुज़श्ता हम लोगों ने KTR साहब के साथ, जिसमें अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता साहब,
और मेयर मैडम भी थे असदुद्दीन अवीसी साहब जो हमारे सदर मोहतरम है, उनके साथ जाकर जायद फंड के लिए हमने केटीआर साहब को कहा है, तो वो केटीआर साहब ने हमें ज़रूर इत्मीनान दिलाया कि वो जायद फंड देंगे। हमें उम्मीद है कि जायद से जायद फंड निज़ामबाद को मिलेगा, जैसा कि पिछले दो म्याद से MIM और TRS मिलकर निज़ामबाद का नक्शा बदल दिए हैं, आपको नज़र भी आ रहा है इंशाल्लाह। और बहुत सारे काम हैं, हम अपनी जिम्मेदारी के साथ पूरे काम खत्म, ज़्यादा से ज़्यादा काम करके महले की साफ़ सफाई हर चीज़ को लेकर हम ये वादा करते हैं कि सही काम करेंगे और अच्छा